जय हिंद फ्यूचर ऑफ टेक, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड कंपनी के बारे में। इन्फीबीम कंपनी क्या काम करती है, इसका फंडामेंटल कैसे है, और यदि इसमें किसी व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट है तो उसे कब जाके इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट होने लगेगा। हालांकि पिछले कुछ समय में ठीक ठाक इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो इसके हिसाब से चूंकि कंपनी का काम धाम काफी बढ़िया है और फंडामेंटल भी बढ़िया है, एक देखेंगे तो कंपनी कह सकते हैं कि मिड कैप श्रेणी की ये कंपनी है। तो इसमें नया व्यक्ति यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसका इन्वेस्टमेंट करना बनता है कि नहीं, और किस लेवल पे उसको बाय करना चाहिए, यह भी मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। शुरू से समझेंगे। सबसे पहले इन्फीबीम जो कंपनी है ये डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। यहाँ पे देखेंगे तो आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कामकाज कंपनी करती हुई नजर आएगी। सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है और पूरे ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर अलग अलग कंपनियों को, इंस्टीट्यूशंस को ये डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। कामकाज काफी बढ़िया है कंपनी का। मार्केट कैप तो ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है। ये देखेंगे यदि आप पिछले कुछ समय में जिस रफ्तार से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा है, मैं चार्ट पर दिखाऊंगा, शेयर के प्राइस के बढ़ने से मार्केट कैप भी बढ़ता है और बढ़ा भी है। और इसके हिसाब से देखेंगे तो शेयर प्राइस, स्टॉक का पीई भी बहुत कम है, और वैल्यूएशन वाइज यदि आप जब देखेंगे तो स्टॉक का जो प्राइस है अभी बहुत ही, आप कह सकते कहीं ना कहीं सही वैल्यूएशन पर मिलते हुए दिख रहा है, 30 रुपए के आसपास है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको जरूर कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि कंपनी का जो काम है ना उसके हिसाब से भविष्य में बहुत अच्छा इसमें आपको कमाने का मौका मिल सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है, तकरीबन 5% के आसपास है, और बुक वैल्यू भी आपको ठीक ठाक इसमें नजर आ रहा है, 12% के आसपास। सामान्यतः इतने कम शेयर प्राइस वाले जो कंपनियां देखते हैं उसमें इतना ठीक ठाक बुक वैल्यू देखने को नहीं मिलता है। जब आप इस कंपनी को एक साल के चार्ट पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस स्टॉक का प्राइस उठना शुरू हुआ था 15 रुपए के आसपास से। 15 रुपए के आसपास, 15 रुपए के पास से जब प्राइस बढ़ा तो बढ़कर 40 रुपए के करीब गया। लेकिन क्या हुआ कि 40 रुपए तक गया तो उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन रेंज में समय बिताने लगा। और सामान्यतः तो होता यह है कि जब रेंज बाउंड में समय बिताता है तो उसके बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने के बाद फिर से प्राइस डाउन आ गया, और फिर से अभी देखेंगे तो कहीं ना कहीं 30 रुपए से लेकर 35 रुपए, इसी के बीच में स्टॉक का प्राइस आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि काफी समय से प्राइस ऊपर जा रहा था, बहुत ऊपर बढ़ा। मैं यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट ही ओपन करते रहा हूँ। मैक्सिमम चार्ट पर आप देखिए क्या हुआ कि प्राइस, वैसे इसका तो लॉन्ग टर्म हाई देखेंगे तो वो तकरीबन 50-60 रुपए के आसपास है, लेकिन जब नीचे गिरा और गिर के जब उठने लगा तो यहाँ से प्राइस उठना शुरू हुआ, जिसमें मैंने बताया कि 10-15 रुपए के आसपास से। 15 से प्राइस 45 जाना ये कोई साधारण बात तो है नहीं। इतना लंबा प्राइस बढ़ा, थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग बनती ही है, और प्रॉफिट बुकिंग बनी तो वो बनने के बाद से स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन जरूरी था, करेक्शन हुआ, और इसके लिए अभी देखेंगे तो इस वजह से प्राइस इसका कहीं ना कहीं आपको कंसोलिडेशन रेंज में टाइम पास करते हुए नजर आ रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही कंपनी के आगे के एक दो क्वार्टर्स के नंबर अच्छे आते हैं, क्वार्टर्स के नंबर अच्छे आएंगे, और उसके बाद क्या होगा, अगर ठीक ठाक नंबर आए तो जल्दी इस स्टॉक का जो प्राइस है कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए दिखेगा, और फिर से स्टॉक का प्राइस अपने प्रीवियस हाई, जो कि जैसे मैंने बताया 55-60 रुपए करीब है, यहाँ तक आते हुए दिखेगा। एक बार इस रेंज में उनसे बाहर निकला तो इजिली पहले अपने प्रीवियस हाई के पास इसका प्राइस आ जाएगा। और आपको करना क्या है कि जैसे इस रेंज बाउंड से जैसे स्टॉक का प्राइस बाहर निकलता है, यदि कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रेंज बाउंड से बाहर निकलते ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, तो आपको ठीक ठाक इसमें प्रॉफिट होते हुए दिखेगा। यहाँ पे जैसे स्टॉक का प्राइस 35 रुपए से ऊपर निकले यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एवरेजिंग अभी मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस और भी नीचे आ जाए, इस रेंज में आ जाए 20 रुपए से 25 रुपए के बीच में। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप अभी रिस्क मत लीजिए जिसका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है। कंपनी के जब आप क्वार्टर्स के नंबर देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि नंबर्स तो ठीक ठाक ही आ रहे हैं। पिछले कुछ समय में कंपनी ने जबरदस्त सेल्स करके दिए हैं। सेल्स के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ भी आपको बढ़ते हुए दिखा है। जून क्वार्टर में तकरीबन 70 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ, जो पिछले कुछ क्वार्टर में सिर्फ 40 से लेके 50 करोड़ के बीच में रह रहा था। तो जंप तो काफी बढ़िया हुआ है। और उसके साथ साथ जब कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में भी देखने को मिलेगा कि कंपनी का यहाँ पर रिजर्व जो फ्री कैश फ्लो होता है वो आपको बढ़ते हुए दिखा है। तकरीबन 3,179 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व हो गया है, यानी कि कंपनी के पास किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे डेप्ट भी बढ़ते हुए दिखा है, तो आईटी सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं वो डेप्ट उनके पास रहते हैं, तो इसको लेकर घबराना नहीं है। जो मेन चीज है वो ये कि फंडामेंटल बेहतर हो रहा है, और साथ में कंपनी में जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी ठीक ठाक है, यहाँ पे देख सकते हैं 28% के आसपास प्रमोटर्स हैं, और बाकी FII और DIIs की भी हिस्सेदारी इसमें ठीक ठाक है। तो ओवरऑल यदि बात करें तो इन्फीबीम में लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और आपके पास है तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी मर्जर से रिलेटेड भी इस स्टॉक का जो न्यूज निकल कर सामने आ रहा है तो पूर्ण रूप से अपडेट आ जाने दीजिए।
मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के आपको अपडेट दूंगा, मर्जर का क्या होना है, किस रेशियो में होना है, किस कंपनी के साथ होना है, आपके शेयर्स का क्या होगा, इन सारी चीजों पर बाद में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल ये एक शॉर्ट इसके बारे में मेरा रिव्यू था जो मैंने इस स्टॉक में आपको दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मन में कोई और सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। बहरहाल वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।